हे एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कलाकंद की रेसिपी। इस राखी में आप इस रेसिपी को बनाकर खाइए और अपने भाइयों को भी खिलाइए। यकीन मानिए, ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। मुझे पर्सनली सारी मिठाइयों में सबसे आसान तो कलाकंद ही लगता है और स्वादिष्ट तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो इस रेसिपी को आप बनाइएगा। और इसको बनाने के लिए करना क्या है, 1.5 लीटर दूध हम ले लिए हैं यहाँ पे, और 1.5 लीटर दूध को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। जब उबल जाए फिर इसमें हम डालेंगे विनेगर, और पानी मैंने इक्वली मिक्स कर लिया था, और इसे इस तरह से हम लोग फाड़ लेंगे। तो ये देखिए, हमारा छेना और पानी जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब इस छेना को हम लोग एक छन्नी से इस तरह से छान लेंगे और छोड़ देंगे थोड़ा देर, ये पानी अपने आप अच्छे से निकल जाएगा। इसको हम लोग कपड़े में नहीं बांधेंगे। अब एक दूसरे पैन में फिर 1.5 लीटर ही मिल्क, इक्वली मिल्क अमाउंट जो है हमें उसको यूज़ करना है। 1.5 लीटर मिल्क को ले लेंगे और अब इसको हमें गाढ़ा करना है। ओकेजनली इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे, और जितनी बार चलाएंगे ना, साइड्स जो है इस तरह से आप खुरच करके इसको आप अंदर की ओर डाल दीजिए दूध में, और फिर इसे अच्छे से चलाते रहिए। और फिर इसमें डाल देंगे हम लोग इलायची का पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसमें ज़्यादा भी मैंने शुगर नहीं डाला है, बस 2 चम्मच शुगर मैं डाली हूँ। आपको अगर थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं। और इसे आप फिर से यूं ही चलाइए, थोड़ा 5 मिनट और हमें पकाना है ताकि हमारा जो चीनी है वो भी अच्छे से पक जाए। अब ये जो छेना था ना, इसको अच्छे से हम मैश कर लिए, और फिर इसको इसमें डाल देंगे। ये जो दूध हमने गाढ़ा किया हुआ है ना, उसमें हम लोग डाल देंगे, और इसको पकाना है करीब 5 से 7 मिनट और हम लोग इस स्टेज पे इसको पकाएंगे। अब हम लोग इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और देखिए ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा ना ये उड़ेगा भी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जलने का डर रहता है। तो अब इसको कंटिन्यूसली हमें चलाना है, नहीं तो ये चिपक सकता है नीचे। और ये देखिए, ये हमारा ये कंसिस्टेंसी ये बन गया है। अब एक थोड़ा सा थिक प्लेट ले लेंगे, उसमें हम लोग बटर पेपर डाल करके सारे जो मिक्सचर है ना, आप इसको इस तरह से आप प्लेट में डाल दीजिए। और इसको अब बेसिकली हम लोगों को अब इसे जमाना है, गर्म ही रहना चाहिए हमारा जो ये जो हमारा कलाकंद का मिश्रण है, उसको हम एकदम थोड़ा मेरा गर्म रहेगा तभी अच्छे से ये सेट होगा। इस तरह से हमें इक्वली आप डैब डैब कर लें, और फिर ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश करें इस तरह से। मैंने यहाँ पे पिस्ता और बादाम लिया है, आपको जो मर्जी आए आप वो ले। और इस तरह से करने के बाद ना डैब कर लेंगे, और फिर हमें इसको करीब हल्का जब ठंडा हो जाएगा 3 से 4 घंटे के लिए हमें फ्रीजर में डाल देना है। ठंडा होने के बाद इसे आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, और बस बन गया हमारा कलाकंद की कलाकंद। तो बनाइए, खाइए एंड एंजॉय।